जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वैकुंठ चतुर्दशी है जो कि 25 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में अगर आप पूरे कार्तिक महीने दीप दान करते थे, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दीप दान है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्योंकि ऐसे आप जो दीप दान करते थे वो 11 या फिर 21 दीप दान करते थे, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात ये, जो आप दीप दान करते थे वो आप 6 से 6:30 7:30 बजे तक दीप दान करते थे, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी ऐसा नहीं होता है। इसलिए पूरा वीडियो देखें। साथ ही में अगर आप घर से बाहर जाकर दीप दान नहीं कर सकते हैं, पवित्र नदियों में जाकर दीप दान नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आप पवित्र नदियों का जो दीप दान है उसका फल आप घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको कैसे दीप दान करना है और कब करना है। देखिए, पूरे कार्तिक महीने में वैकुंठ चतुर्दशी ही है जिस दिन आपका जो दीपदान है वो मध्य रात्रि में होता है। बाकी जो आपने कार्तिक महीने में जितने भी दीपदान किए होंगे वो आपने शाम को किए होंगे या फिर सुबह में किए होंगे, लेकिन पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता है जिसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है, जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो दीपदान होगा वो आपका 11 से 12:30 के बीच में ही ये वैकुंठ चतुर्दशी का दीपदान होता है। आप जो पहले से दीपदान करते हैं वो तुलसी में दीपदान या फिर आप चौराहे में या कहीं भी आकाश में दीपदान करते हो वो आप शाम को ही कर दीजिए, लेकिन जो 14 दीपदान बोला जाता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वो आपको मध्य रात्रि में करना है। वो कैसे करना है तो देखिए, आप घर पर ही 14 दीपदान कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। आपको 11 से 12:30 के बीच कभी भी इस टाइमिंग में दीपदान कर देना है। आज के दिन आपको क्या करना है, एक बड़ी सी प्लेट लेनी है जिसमें पीपल का पत्ता जो है वो डूबे नहा, जिसमें आप आटा गूंथते हैं आप वो भी ले सकते हैं, उसको पूरा जल से भर देना है और उसमें गंगा जल डाल देना है। और उसके बाद आपको 14 पीपल के पत्ते लेने हैं। अगर आपकी एक प्लेट में जो है नहीं आते तो आप दूसरी प्लेट में भी 2-2-3 प्लेटें पानी करके भी ले सकते हैं, ताकि आपके 14 दीपदान अच्छे से हो सकें। आप 14 दीपदान के लिए क्या करें, पीपल का पत्ता लें, साफ सुथरा, खंडित नहीं होना चाहिए, और उस पे रुई की बाती बनाकर या फिर कलावे की बाती बनाकर आप उसे पूरी तरह से घी में डिबोकर पीपल के पत्ते के ऊपर रखकर जला दें। और साथ ही में इस पानी में आप चाहें तो फूल भी डाल सकते हैं और साथ ही में तिल भी डाल सकते हैं दीपदान के ऊपर। ऐसा करने से आपको गंगा में दीपदान का फल मिलेगा। आप 14 दीपदान 11 से 12:30 के बीच करें, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दीपदान किया जाता है 14 दीपदान किए जाते हैं, और आपको पूरा गंगा नदी में दीपदान का जो है वो फल इस दिन आपको मिलता है। इसलिए आपको दीपदान ज़रूर करना चाहिए।